हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अड्डा 247। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी काफ़ी दिन हो गए हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स को और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर दिया है। अगर आप रेगुलर फॉलोअर है अड्डा 247 के तो फिर फ़ायदा आपको ये रहा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो आपको हमारे सेशंस से मिला, राइट? तो साइंस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे थे। हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे, कितना पढ़ना था, बिल्कुल उतने ही क्वेश्चंस आए। तो आज के इस सेशन में देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से आने वाले शिफ्ट में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको फ़ायदा पहुँच सकता है इस शिफ्ट का। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हम उन क्वेश्चंस को अभी तुरंत यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपका पेपर हो चुका है, क्वेश्चन आप कर चुके हो, डाउट है आंसर क्या होगा, तो वो आप चैट बॉक्स में लिख दो यहाँ पे और वो हम आपके साथ बिल्कुल यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो गुड इवनिंग एवरीवन, शेखर, धनेश, आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। विष्णु लिख रहे हैं कि 37 out of 40 आया है, थैंक यू सो मच। तो फिर शायद आपका बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्शन निश्चित है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं जीएस सेक्शन में। आपने अभी तक अगर प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है देन प्लीज़ गो एंड वॉच देम, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिला है, ठीक है? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए हैं जो हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं, लेट अस बिगिन विथ दी क्वेश्चंस हियर। सबसे पहले क्वेश्चन को हम आपके साथ यहाँ स्क्रीन पर दिखाते हैं, आने वाले सेशंस में भी बहुत बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले टॉपिक समझते हैं, टॉपिक क्या है, पूछा गया है जिस तरीके से आपको पूछा जाता है कि किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम, है ना, चीफ मिनिस्टर या फिर सीएम का नाम पूछा जाता है, उसी तरीके से ग्रुप डी में देखा गया है कि यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, जैसे कि स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, पूरे इंडिया के केस में प्राइम मिनिस्टर होता है ना, पूरे इंडिया के केस में क्या होता है, पूरे इंडिया के केस में होता है प्राइम मिनिस्टर, उसी तरीके से एक और पोस्ट है, जैसे कि आपका प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाने वाले कुछ लोग होते हैं जो देखरेख करते हैं यूनियन टेरिटरीज का। अब हमारे यहाँ पे कितने यूनियन टेरिटरीज है, सबसे पहले 7 यूनियन टेरिटरीज है, जिस तरीके से 29 स्टेट्स है वैसे ही देर आर 7 यूनियन टेरिटरीज। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर तो नहीं होते, तो फिर कौन होते? यूनियन टेरिटरीज में होते हैं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर कहाँ पे होता है, स्टेट में होता है गवर्नर, ठीक है? यूनियन टेरिटरीज में कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जो एकदम छोटे यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनमें आपका बेसिकली गवर्नर ना बोल के कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। अब क्वेश्चन ये सब नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, जो पूछा गया है आज ही के शिफ्ट में वो ये है कि पुडुचेरी में, जिसका पहले नाम पौंडीचेरी था, पुडुचेरी में हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, आज का ये क्वेश्चन था कि पुडुचेरी में हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। अब आप सभी लोग यहाँ से देख के हमें बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए।
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन आया है, हाँ एक न्यूमेरिकल आया है, हम आपको अभी बताएंगे सीरीज पैरेलल के बारे में, एक न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है, वो हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर अभी तक मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, शायद कोई नेट का इशू है, अभी तक किसी का आंसर मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ कमेंट बॉक्स को। अच्छा, अब शायद से आंसर दिखने लग जाए, जल्दी से बताइए। किरण बेदी, आशीष कुमार दास, बिल्कुल सही, किरण बेदी जो आपको दिख रहा है पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है एंड ऑल्सो द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर। अब यहाँ पे हो सकता है आने वाले शिफ्ट में और क्वेश्चंस इस तरीके से मिले कि अंडमान एंड निकोबार में हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, आंसर क्या हो जाएगा? डी के जोशी। चंडीगढ़ में कौन है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। दादरा एंड नगर हवेली, प्रफुल्ल पाटिल। दमन एंड दीव, प्रफुल्ल पाटिल, अगेन सेम आंसर। दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के बाद अगर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो वो दिल्ली के लिए बनेगा, और दिल्ली के लिए आंसर क्या हो जाएगा? अनिल बैजाल विल बी योर करेक्ट आंसर। फिर पूछा जा सकता है लक्षद्वीप के लिए, तो फिर फारूक खान। दो क्वेश्चन हमें लगता है, एक हो सकता है रिपीट हो जाए सेम क्वेश्चन, दूसरा हमें जो लगता है वो दिल्ली के केस में हमें लगता है पूछा जा सकता है, दिल्ली के केस में, दैट इज योर अनिल बैजाल। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सभी ऑप्शंस को आपने ध्यान से देखना है और कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा। मैंने आपसे कहा था नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को जब तक आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तब तक हम आपको ये चीज बता दें, अनिल बैजाल, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, अब देखिए विवेक यहाँ पे लिख रहे हैं, फारूक खान, अब अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स आएंगे, है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है रंजन गोगोई, वो कौन है? हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो अगर अब आपको ये पूछा जाए हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दीपक मिश्रा जी ने अभी नॉमिनेट किया है कि रंजन गोगोई ही विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो फिर अभी अगर एग्जाम में आगे पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा आप किस पे टिक करेंगे, आप ए पे टिक करेंगे कि बी पे टिक करेंगे, बताइएगा कमेंट करके। अभी भी वेबसाइट में नाम नहीं चेंज हुआ, आप ए पे टिक करेंगे कि बी पे टिक करेंगे? ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर सी है फातिमा बीवी, वो किस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? अभी आने वाले, बिल्कुल सही, नेक्स्ट चीफ जस्टिस अभी आने वाले हैं, बिल्कुल। हम हिंदी में भी आपके साथ क्वेश्चंस हिंदी में ही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपको ये बताना है फातिमा बीबी, वो कौन से क्वेश्चन का आंसर है? 3 अक्टूबर को ओथ लेंगे, बिल्कुल सही। फातिमा बीवी कौन से क्वेश्चन का आंसर है? फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट फीमेल जज, विपुल, वेरी गुड। अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आता है, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आंसर क्या हो जाएगा? फातिमा बीवी। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आंसर हो जाएगा फातिमा बीवी। नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाए एना कैंडी या फिर एना चंडी, कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा हाईकोर्ट, हाईकोर्ट की पहली फीमेल जज। इंदु मल्होत्रा, कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा? नंबर ई में जो दिया हुआ है, इंदु मल्होत्रा सबसे पहले लॉयर से सीधे जज के पोजीशन में जिनको लेके आया गया उनका नाम है इंदु मल्होत्रा, तो यहां पे लिख देते हैं लॉयर से हाईकोर्ट के जज। ठीक है, तो लॉयर से जज, वैसे भी लॉयर से जज ही बनेंगे आगे जाके, बट सीधे हाईकोर्ट के जज। ठीक है, उसके बाद ताहिरा सफदार, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे लेकिन फिर भी सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं आई एम श्योर आपने सही आंसर किया होगा। ठीक है, ताहिरा सफदार कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा? नंबर एफ, वेरी इंपॉर्टेंट। किशोर बाना, बिल्कुल सही, ताहिरा फर्स्ट पाकिस्तान जज, पाकिस्तान में
पाकिस्तान में सबसे पहले जो आपकी फीमेल जज बनी है उनका नाम है ताहिरा सफ्तार। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ये ऑप्शंस याद रखना है। एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन, दूसरे एग्ज़ाम में दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, और अभी जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से पूछा जाएगा वो है पाकिस्तान के अंदर आपको क्या याद रखना है, ताहिरा सफ्तार। लास्ट क्या बताया मैंने, दिल्ली के लिए आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम, क्योंकि अभी रिसेंटली आपके जो आम आदमी पार्टी लीडर, उन्होंने धरना दिया था उनके घर के बाहर, इसीलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूछा गया है एग्जाम में हु इज द CEO ऑफ सैमसंग। ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, फिर से पूछा गया है, सभी पूछे गए क्वेश्चन आपको, LP वाले क्वेश्चंस भी कुछ है जो रिपीट हुए हैं, RRB ग्रुप डी वाले क्वेश्चंस है जो हमने क्लासेस किए थे वहाँ से रिपीट है। ठीक है, अब आपको बताना है सबसे पहले CEO ऑफ सैमसंग, बहुत कॉमन, बहुत फेमस, तो आपने ABCD ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है कमेंट बॉक्स पे। ये एक लौता क्वेश्चन है जो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, बहुत फेमस है, डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया के अंदर सेटअप किया है फिर से दोबारा, इसीलिए क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, CEO कौन से कंपनी के CEO का नाम है, शांतनु नारायण। शांतनु नारायण कौन से कंपनी के CEO का नाम है, नाम याद रखने के लिए ट्रिक भी आपको बताया था, कोई है जो यहाँ पे सही आंसर दे सकता है। ऑडी के लिए सही आंसर आ गया है, क्या होगा सही आंसर, ए होगा। ठीक है, ABC, आप देखो ऑल ऑफ द अबव भी है एक ऑप्शन में, तब आप क्या करोगे, ए लिखोगे, बी लिखोगे, सी लिखोगे या डी लिखोगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर देना। सबसे पहले अजयप सिंह ने आंसर दिया है कि अडोबी के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा, अडोबी के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, शांतनु नारायणन। ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में कौन है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इन इंडिया, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑडी के लिए ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है, विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है अटल भूजल योजना के ऊपर। अब अटल भूजल, भू का मतलब होता है आपका भूमि या फिर जमीन, भू, और जल का मतलब क्या हो गया, पानी, तो भूजल का मतलब क्या हो गया, इट मीन्स अंडर ग्राउंड वाटर। ठीक है, भू यानी कि जमीन और जल यानी कि पानी, तो भूजल योजना यानी कि अटल अंडरग्राउंड वाटर स्कीम या फिर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, अटल भूजल योजना, ABHY। दूसरी चीज, किस चीज से रिलेटेड है, ग्राउंड वाटर से या फिर अंडरग्राउंड वाटर से या फिर भूमि के अंदर जो पानी है उससे रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपके आसपास पानी नहीं है, कोई खोदता जाता है तो अंदर जो है, जैसे कि फ्लोराइड हो गया, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो पानी के साथ ऊपर आ सकता है और बहुत सारी बीमारियाँ हो सकता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है, तो गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पानी का किल्लत हो सकता है, इसीलिए इस तरीके से याद रखिए, उत्तर प्रदेश है ही है, राजस्थान फिर से सूखा भी हो सकता है, बहुत बड़ा एरिया है, महाराष्ट्र डिवाइड करने से पहले, मध्य प्रदेश, कर्नाटका तमिलनाडु के बीच चलता रहता है तो कर्नाटका है, और हरियाणा और गुजरात है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसे याद रखना है। अच्छा, चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीरियडिक टेबल किशोर बाना अभी बताएंगे और बिल्कुल किस तरीके से आया क्वेश्चन ये भी बताएंगे। लास्ट स्लाइड में वापस चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पूछा गया है MKBS के ऊपर, दैट इज माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम। माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम जो है ये कौन से स्टेट में आपका लॉन्च किया गया था, तो माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम जो है वो महाराष्ट्र, क्या याद रखना है, स्टेट का नाम क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ इसे लॉन्च किया गया। ठीक,
अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम इकट्ठा लेके आए हैं, तो उनको अब हम आपके साथ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे कि बल्ब के अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन पूरा क्या है, बल्ब के फिलामेंट के लिए, बल्ब के फिलामेंट के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ जिस चीज़ का यूज़ होता है वो है आपका टंगस्टन। दूसरा क्वेश्चन जो ऐसा बन सकता था वो ये है कि हीटर में भले ही आप केटल का यूज़ करें या फिर कोई भी ऐसा चीज़ इंडक्शन का यूज़ करें, केटल का यूज़ करें, इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ करें, या फिर वो हीटर जो आप नॉर्मली देखते हो ना ऐसे रॉड लगा हुआ होता है, भले ही आप उसका यूज़ करें, उन सभी चीज़ों में हीटर में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, नाइक्रोम। ठीक है, इसका आप यूज़ करते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कनेक्टिव टिश्यू पे, जब जो पहला क्लास डे टू आप याद कीजिए, डे टू उसी में हमने आपको बताया था कि सेल और टिश्यू के बारे में, है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू से एक क्वेश्चन आया है, तो अब देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू से और क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो फ्लूइड अवस्था में मिलता है, जो सॉलिड नहीं बल्कि फ्लूइड में मिलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड। ब्लड इज द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, या फिर वन ऑफ द लिम्फ वगैरह भी होता है, सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही अक्सर पूछा जाता है, दैट इज टेंडन। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, आज ही के शिफ्ट में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है और जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। अब जो बच्चे रोज़ पढ़ते हैं उनको ये चीज़ पता होगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए कि टेंडर कौन सा है। टेंडर, कोई भी चीज़ अगर टेंडर है, सॉफ्ट है, यानी कि वो सिर्फ हड्डी तो नहीं हो सकता है कि नहीं, कोई भी चीज़ अगर टेंडर है यानी सॉफ्ट है, तो वो सिर्फ हड्डी ना होके हड्डी प्लस मसल होगा। ये ट्रिक आपने हमेशा याद रखना है, तो इसीलिए टेंडन टेंडर इस मसल प्लस बोन। तो अभी से कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट करता है किसे, आंसर मसल और बोन को। दूसरा क्वेश्चन, लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू डैट कनेक्ट्स, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर होगा बोन प्लस बोन। क्या ये ट्रिक आपको याद रहेगा हमेशा? ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज उसी स्लाइड में वापस सेम स्लाइड में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज बाबरनामा। क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबरनामा जो है वो किसने लिखा है। पहली बात तो बाबर का जो मदर लैंग्वेज था वो था आपका तुर्की, तो उन्होंने तुर्की लैंग्वेज में इस चीज को लिखा था, दैट इज बाबरनामा। दूसरे शिफ्ट में हो सकता है पूछा जाए कि बाबरनामा को तुर्किश से पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था, बाबरनामा को तुर्किश से पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुर रहीम खान ई खाना, इन्होंने इसे पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। ये कौन थे, ये थे अकबर के समय में, ये अकबर के कोर्ट के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, जो 9 jewels थे उनके कोर्ट में से, 9 jewels में से नवरत्न में से एक थे। किसके बेटे थे, ये थे आपके बैरम खान। बैरम खान याद है ना, बैरम खान याद है, जब अकबर छोटे थे मूवी में दिखाया जाता है बहुत सारे, तो वो बैरम खान के बेटे थे। ठीक है, अब आते हैं डाइमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। ठीक है, आई होप सबको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो गुलबदन बान, आप उस पे आ रहे हो, आप हुमायूं पे आ जा रहे हो। ठीक है, तो टॉम के बारे में आप यहाँ पे, या फिर उनके हुमायूं पे नहीं आना है, बाबर पे ही रहना है। ठीक है,
अब आ जा रहे हैं किसमें, डाइमेंशनल फॉर्मूला में। अब बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि डाइमेंशनल फॉर्मूला का आंसर क्या होगा। अब देखिए, मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था स्पीड के बारे में, है ना। सो व्हाट इज स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, जिसके लिए अगर आप यूनिट लिखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल मीटर पर सेकेंड, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब डाइमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तब क्या होता है, तब हम मास के लिए लिखते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये सब चीज़ें आपको, मास के लिए लिखते हैं एम। जैसे यहाँ आपने डिस्टेंस के लिए लिखना है मीटर या फिर किलोमीटर, तो यहाँ मीटर लिखा हुआ है। टाइम के लिए सेकेंड्स लिखना है, एस लिखा है। ये क्या है, ये आपका एसआई यूनिट है, है ना। सेवन जो आपके फंडामेंटल एसआई यूनिट्स थे वहाँ से है ये। डाइमेंशनल फॉर्मूला के लिए क्या लिखना था, मास के लिए लिखना था कैपिटल एम। लेंथ के लिए क्या लिखना है, लेंथ के लिए लिखना है कैपिटल एल। और टाइम के लिए एसआई यूनिट में क्या लिखा था, सेकेंड्स लिखा था। यही हम टाइम के लिए डाइमेंशनल फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर स्पीड का पूछा गया होता तो फिर डाइमेंशनल फॉर्मूला क्या होता, डिस्टेंस यानी कि एल, टाइम यानी कि टी। सो इट इज इक्वल्स टू एल टी रेज टू द पावर माइनस वन। दोबारा से देखना, बहुत ईजी है, ऑलरेडी बता भी चुके हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, एल टी रेज टू द पावर माइनस वन। अब आते हैं वर्क के लिए क्या होगा, जो आज के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, देखो जो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, जो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे नहीं लेके आई हूँ। ठीक है, ये भी ऑलरेडी करा चुके हैं, बट दोबारा से इसको रिवाइज करना ज़रूरी था वर्क के लिए। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क, काम करोगे तभी काम करोगे जब कोई धक्का लगाओगे और वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इस बोर्ड पे मैं धक्का लगा रही हूँ, बोर्ड तस से मस नहीं हो रहा है, बिल्कुल अपनी जगह पे है, तो मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कूली का एग्जांपल मैंने दिया था, सिर पे कोई भी भारी सामान रख के वो 10 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले, उसने कोई काम नहीं किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स के लिए क्या है, फोर्स के लिए है मास इंटू एक्सीलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, जैसे कि डिस्टेंस, एक जगह से दूसरे जगह मैं जा रही हूँ वो हो गया डिस्टेंस, तो वो भी लेंथ हो गया, उसी का जो वेक्टर कंपोनेंट है वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, उसके लिए भी मैं एल ही लिखूंगी। अगर मैं डिस्टेंस के लिए लेंथ के लिए एल लिखूंगी तो मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एल ही लिखूंगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्लेसमेंट के लिए एल। मास के लिए क्या लिखना था, एम लिखना था। अब आते हैं एक्सीलरेशन पे। बार बार मैंने बताया था कि जी का जो आपका वैल्यू होगा, दैट इज स्मॉल जी के बारे में, ठीक है, कैपिटल जी वो फिर से दूसरे एग्जांपल में किया था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड नहीं होता है। एक्सीलरेशन के लिए भी क्या होता है, डी वी बाई डी टी, तो फिर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और जैसे ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा, यानी कि मीटर लेंथ, सेकेंड स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर माइनस टू। खत्म होने के बाद दोबारा से यहाँ पे आके देखना, अगर एक बार में नहीं समझ में आया, बहुत ही सिंपल चीज़ है, दोबारा से इसको देखना, बहुत सिंपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए एक शिफ्ट में ये भी पूछा गया कि मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, तो मैक्सिमम कहाँ होता है, कहा था आपसे पोल्स में, सब क्वेश्चंस किए हुए हैं, पोल्स में मैक्सिमम होता है। मिनिमम कहाँ होता है, इक्वेटर में मिनिमम होता है, इक्वेटर में मिनिमम होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है, पोल्स में मैक्सिमम होता है जी का वैल्यू और इक्वेटर में मिनिमम होता है। वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से मैंने इसको निकाला, दोबारा से देखना बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किशोर बाना प्रीवियस सेशन, नहीं लास्ट स्लाइड में ही है, लास्ट स्लाइड में ही रहना है, नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं आना है। किशोर बाना लास्ट सेशंस अगर आपने नहीं देखे, प्लीज़ आप उनको देखो,
प्लीज़ आप लास्ट क्लासेस को देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं. स्केलर वेक्टर डिफरेंस बहुत सिंपल से चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. सिंपल सा चीज़ है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा. सेम चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन कैसे इनडायरेक्टली रिलेट होता है, गैल्वेनोमीटर, अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में. ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो कि ये है कि डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर पाथ. क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर पाथ. अब यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, अगर आपने पेपर दिया तो आपको पता होगा एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन सा है. पहली बात ये है कि अगर आप ए पॉइंट से, एक सर्कल में ए पॉइंट से शुरू करके सेमी सर्कल कंप्लीट करके बी पॉइंट में जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड. मैंने आपको बताया था ना, एक गाय है जिसको आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट में बांधने लेके जाना है, तो आपने क्या किया, उस गाय को सुबह तो यहाँ से लेके गए क्योंकि आप खुद भी टहलना चाहते थे, शाम हो गया, शेर हो सकता है, बाघ हो सकता है, कोई भी खा सकता है, तो आपने शॉर्टेस्ट रास्ता लिया. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट रोड ट्रेवल. अब ए से बी पे कोई जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. इनिशियल पॉइंट ये है, यहां से शुरू किया चलना, यहां से आप बी पॉइंट पे ऐसे पहुंचे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या है. ए टू बी डायरेक्ट, ए टू बी डायरेक्ट, किशोर बाना वेरी गुड, ए टू बी डायरेक्ट, ए टू बी डायरेक्ट है, यानी कि ये क्या है, ये आपका डायमीटर है. सेमी सर्कल कंप्लीट किया है, सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल कंप्लीट किया है तो क्या हो गया, डायमीटर. और डायमीटर का वैल्यू क्या होता है, 2R. तो अगर ऑप्शन में R 2R इस फॉर्म में दिया था तो आंसर क्या था, डायमीटर यानी कि 2R आपका आंसर था. ठीक है, अब आप सब लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि अगर इसने A से शुरू किया, B तक वो पहुंचा, वापस से वो A पे आ गया, वापस से वो ए पे आ गया, तो इनिशियल भी ए था, फाइनल भी ए था, यही से शुरू किया, यही पे आके वो खत्म हुआ, अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा. ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, जो आप कमेंट करके बताएंगे, ए से शुरू किया था, बी पे खत्म किया, यानी कि इनिशियल पॉइंट इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट जब होता है तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. ठीक है, इस केस में अगर इसने ए से शुरू किया, बी तक गया, वापस ए तक आया, व्हेन इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट देन योर डिस्प्लेसमेंट इज. सभी लोग हम उम्मीद करते हैं आंसर जरूर करेंगे, अभी कमेंट बॉक्स में सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर अगर ए और बी दोनों सेम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ है, कुछ है ही नहीं, यहीं से शुरू किए थे, यहीं पर खत्म हुए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खड़े रहो वहीं पर, अगर आपने कहीं जाके वापस वहीं आना था, इसीलिए कहते हैं व्हाई डिड यू स्टार्टेड व्हेन यू वांट टू क्विट समथिंग, रिमेंबर आपने शुरू क्यों किया था. तो अगर वही से शुरू करके अभी भी वही पे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, कुछ नहीं. ठीक है, अब इसके बाद एग वाला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि एग के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है. जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, मैंने आपसे कहा था कि वैसे तो सांप का जहर भी कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रोटीन होता है. अगर आप दिन में 100 अंडे खाओगे, आप क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन उसमें होता है. सांप का जहर प्रोटीन ही तो है जो सांप के अंदर है, बट हमारा शरीर उसे नहीं डाइजेस्ट कर पाता है और ख़त्म है ना. एक बात हमने आपसे ये भी कही थी कि दाल का प्रोटीन अलग और एग का प्रोटीन अलग. हेयर में जो पाया जाता है वो क्या था, कैरेटीन, याद आ रहा है धीरे धीरे, और एग में जो पाया जाता है वो क्या है, एल्ब्यूमिन, है ना. तो अगर आपको याद आ रहा है तो एल्ब्यूमिन, अजय सिंह बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मूला फॉर रस्ट. रस्टिंग में दो तीन क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार पूछा जा सकता है. सबसे पहले जब रस्ट होता है किसी भी चीज़ का, जब रस्टिंग प्रोसेस होता है तब उसका वेट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है. तो यहाँ पे आपका एक
वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। वो वाटर का मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, जो जितना ज़्यादा रस्टिंग होगा उसके हिसाब से जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है, जो उसका क्वालिटी होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसीलिए रस्ट के बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है और ऑलरेडी ये भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं गैल्वेनोमीटर पे, जो आपका डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। लाइव सेशन के बीच में मुझसे किसी ने पूछा था, मुझे आज भी याद है, और हमने उसी वक्त आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर बेसिकली शॉर्ट करंट को मेजर करते हैं और एमीटर जो है वो ज़्यादा करंट को मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर जो है वो स्मॉल करंट को मेजर करता है। इसीलिए इसका एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होता है, और एमीटर को हम कहते हैं कि बेसिकली करंट मेजर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, तो ये स्मॉल करंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर में आपको डिरेक्शन दिखेगा करंट का किस तरफ है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखेगा, करंट का डिरेक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस गैल्वेनोमीटर और एमीटर के बीच। एक क्वेश्चन पूछा गया आपको गैस के वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ गैस। बेसिक इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, बेसिक इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, बचपन में पढ़ा हुआ है ना। अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, क्वेश्चन ये था कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो किस चीज़ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो एनआरटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एनआरटी अपॉन पी। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप देखिए कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो गैस के केस में वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, इशू पाल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर। ठीक है, एक कॉमन एक सिंपल सा चीज़ समझो, ये एक कपड़ा है, ठीक है, ये एक कपड़ा है। अगर मैंने इसमें अभी इसका वॉल्यूम देखो ज़्यादा है, ज़्यादा स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। अब डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसने ये वॉल्यूम, इसने इसका वॉल्यूम ये है। अब मैंने इस पर देखो ऐसे प्रेशर लगाया, ठीक है, इस पर प्रेशर लगाया, अब इसका वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम इसका कम हो गया। तो इसीलिए जो है सिंपल भी आप याद रख सकते हो कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ग्रेट सर्कल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन हुआ आपका। ग्रेट सर्कल मतलब ग्रेट कौन होता है, जो बहुत महान है, जो बहुत बड़ा है। अब आप ये सोचो, आप पूरे अर्थ में, पूरे अर्थ में एक महान सर्कल बनाना चाहते हो, जो सबसे ग्रेटेस्ट सर्कल है वो बनाना चाहते हो। वैसे तो आप इसमें जितना मर्जी उतना लॉन्जिट्यूड्स ड्रॉ कर लो, बट अर्थ जो है उसका जो शेप है वो शेप कैसा है, ओब्लॉइड, स्फेरॉइड या फिर जियोइड। सिंपल भाषा में पेट से वो मोटा है, यानी कि वो ऐसा है, पेट से वो थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। अब अगर वो पेट से मोटा है तो फिर इसमें मैं जो सबसे बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ, ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ, वो क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए, इक्वेटर। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। जितने लोग यहाँ पे इक्वेटर लिख रहे हैं, द करेक्ट आंसर इज इक्वेटर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेटर, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज़ आईफा 2018 के वेन्यू के ऊपर पूछा गया है एक क्वेश्चन। आईफा अवार्ड्स 2018 कहाँ पे कंडक्ट होना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी बैंकॉक में, थाईलैंड में, जो भी ऑप्शन में हुआ बैंकॉक थाईलैंड उस पे आप टिक कर दो, सेम थिंग, ठीक है। अब आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ Affairs and Sports, Ministry of Child and Women के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, तो Child and Women के लिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेनका गांधी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स क्यों इतना ज़्यादा फेमस हुए जी, क्योंकि एक पुशअप का वीडियो, याद कीजिए बहुत वायरल हो गया था एक पुशअप का वीडियो। आप में से कोई बता सकता है कि वो वीडियो किसने सर्कुलेट किया था, कोई बता सकता है किसने?
शेखर शर्मा, आप ठीक है, मेनका गांधी, हाँ बिल्कुल सही, राजवर्धन सिंह राठौर। आंसर क्या है? राजवर्धन सिंह राठौर। याद कीजिए वो पुशअप वाला वीडियो जो वायरल हुआ था, और वही से आपने ये याद रखना है। ठीक है, असम से क्वेश्चन पूछा गया था कि वहाँ पे जो ड्रेस पहना जाता है वो ड्रेस को हम क्या कहते हैं। जैसे साड़ी होता है ना, वैसे ही साड़ी के जैसा दिखने वाला, साड़ी के जैसा ही लगभग पहनने जाने वाला दो पीस का ये ड्रेस होता है। देखने में बिल्कुल साड़ी जैसा लगता है, लेकिन इसको हम कहते हैं मेखला चादर। इसको हम कहते हैं मेखला चादर। तो इसका सही आंसर क्या था? असम में पहने जाने वाले ड्रेस का नाम है आपका मेखला चादर। और जनरली अगर पूछा जाए कि किस चीज़ से बनता है, तो वैसे कॉटन वगैरह सबसे बन सकता है, लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखना है वो है सिल्क। सिल्क के लिए बहुत फेमस है क्या आपका असम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, और अब नेक्स्ट स्लाइड के क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया आज ही के शिफ्ट में, वो ये था कि 7001 9 ये कहाँ का पिन कोड है। थोड़ा अजीब है ना क्वेश्चन कि 7001 9 ये कहाँ का पिन कोड है, कौन से राज्य का पिन कोड है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें लगता है कि जो चारों आपके मेट्रोपॉलिटियन सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के पिन कोड के स्टार्टिंग के डिजिट्स आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सबसे ऊपर, तो न्यू दिल्ली के लिए अगर पूछा जाए तो आपको यहाँ पे याद रखना है 1100 कुछ होगा। ठीक है, 1100 कुछ होगा, क्योंकि नंबर वन पे है आपका दिल्ली। अब 1 1 पे ना होके 1 2 पे आ जाओगे तो शायद गुड़गांव, फिर हरियाणा उधर चले जाओगे। तो 1100 अगर है तो वो हो गया आपका पोस्टल कोड दिल्ली का। अब बात करते हैं आपका दिल्ली के बाद नेक्स्ट कौन, नेक्स्ट है आपका मुंबई। तो मुंबई के लिए क्या हो जाएगा? 4000, तो 4000, चार, एक के बाद क्या आया? चार। ठीक है, चार के बाद क्या आया? छः। कहाँ के लिए आ गया? चेन्नई के लिए। और जो एग्ज़ाम में पूछा गया वो 7 है, तो ये क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब 7 के बाद अगर ये देखो ऐसा होता 7 8 1 0 2 2, तब ये क्या होता? तब ये असम में आ जाता। ठीक है, तो आसपास, तो एक आइडिया आप ले लो चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का। दिल्ली पूछा गया है, हो सकता है मुंबई पूछा जाए, सामने 4 होगा, चेन्नई पूछा जाए, सामने 6 होगा। ठीक है, तो समझ में शायद आ गया होगा, आ गया है तो बहुत अच्छा। पिन कोड नहीं याद रखना है दनीश, बिल्कुल नहीं याद रखना है, इसीलिए पूछा गया होगा, क्योंकि दिल्ली ये चार बस याद रखो, बस खत्म। ठीक है, राज्य के लिए पूछा गया है, एग्जैक्टली कौन से जगह पे है इस पे नहीं पूछा गया। ठीक है, जैसे ये आपका खाना पड़ा बोल के एक जगह है, तो वहाँ से एग्जैक्टली नहीं पूछा गया है, बस आपको स्टार्टिंग के डिजिट्स याद रखने। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, फिल्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, तो अब हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारे फिल्म के क्वेश्चंस। फिल्म वर्ल्ड से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है नेशनल फिल्म अवार्ड। देखो आप लोगों ने बहुत सारे फिल्म अवार्ड के बारे में सुना होगा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्म अवार्ड जो है वो है आपका नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल फिल्म अवार्ड को करते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड कौन सा करने जा रहे हैं? 65th नेशनल फिल्म अवार्ड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है वो फिल्म के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है। किन्हें मिला? विनोद खन्ना। बेस्ट डायरेक्टर किन्हें मिला? जयराज जी को बेस्ट डायरेक्टर मिला। जो बहुत फेमस है और बिल्कुल पूछा जा सकता है, बेस्ट फीचर फिल्म, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, साउथ इंडिया के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो बेस्ट फीचर फिल्म किसे मिला? विलेज रॉकस्टार। बच्चों का ये आपका फिल्म है विलेज रॉकस्टार्स, ये एक एसमिस फिल्म है, उसको मिला। और अगर मुझे लगता है कि यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बनता है तो ये बनता है, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जाने का पूरा संभावना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये वाला बनता है कि बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला?
बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला श्रीदेवी को, लेट श्रीदेवी नाउ, क्यों, कौन से फिल्म के लिए मिला? मॉम के लिए मिला। तो मुझे लगता है यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक, दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनोद खन्ना को मिला, ये फिल्म के लिए दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विलेज रॉक स्टार को बेस्ट फीचर फिल्म मिला। तीसरा क्वेश्चन है आपका, श्रीदेवी को मॉम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस मिला। ये है टॉप 3 क्वेश्चंस फ्रॉम 65th नेशनल फिल्म अवार्ड। समझ में आ गया तो एक लाइक करके आगे बढ़ो, ठीक है? चलो, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट अवार्ड, नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड जो कि फिल्म इंडस्ट्री से है, फिर से स्पोर्ट्स और फिल्म भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। स्पोर्ट्स और फिल्म से करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस या तो स्पोर्ट्स से या तो फिल्म से। अब है सबसे पहला क्वेश्चन आईफी 2018 के बारे में, ठीक है? कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? तो गोवा के अंदर। नॉर्मली जैसे गोवा के अंदर क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था, गोवा में कब से ये शुरू हुआ है? तो 20th नवंबर से ये शुरू हुआ है। कहाँ पे? गोवा में। ये क्वेश्चन था, पूछा गया ऑलरेडी। अब देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आने वाले शिफ्ट में, ठीक है? तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विनोद खन्ना किस लिए? नेशनल फिल्म अवार्ड। कौन सा? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, है ना? तो तस्वीर आपके सामने है, आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ये गोल्डन वर्ड ना बहुत सारे अवार्ड्स के लिए अभी रिपीट होगा, फिलहाल के लिए याद रखो कि हमारे यहाँ पे जो नेशनल बर्ड है वो कौन है? पीकॉक है। नेशनल बर्ड कौन है? पीकॉक है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है रॉबिन कैंपिलो को। रॉबिन कैंपिलो को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है, ठीक है? रॉबिन इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ बर्ड, तो इक्तफाक से ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड रॉबिन, तो बर्ड बर्ड, ठीक है? कुछ भी ट्रिक याद रखो, बस बर्ड बर्ड, ओके? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपको बेस्ट जो फिल्म है वो किसको मिला? बेस्ट फिल्म, कौन से फिल्म को बेस्ट फिल्म नॉमिनेट किया गया, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? आप वैसे तो कोरियन सीरियल्स देखोगे, तभी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी तो रुमाल लेके बैठना पड़ेगा, इतना ज़्यादा उसमें रोना धोना होता है। तो एक कोरियन फिल्म है जिसका नाम क्या है? शॉपलिफ्टर। शॉपलिफ्टर का लिटरल मीनिंग क्या हो गया? शॉपलिफ्टर्स का लिटरल मीनिंग हो गया कि दुकान में जाके दुकान से चोरी करना, ठीक है? तो ये शॉपलिफ्टर्स फिल्म को यहाँ पे बेस्ट फिल्म मिला। अब मेरा फाइनल क्वेश्चन जो है आपको वो ये है कि कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? पिक्चर को ध्यान से लिखिए, देखिए यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है आंसर। ऑस्कर अवार्ड मिला शेप ऑफ वाटर, बिल्कुल सही, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी शेप ऑफ वाटर। ध्यान से देखिए इस इमेज को, कहीं पे छुपा हुआ है वो नाम जहाँ पे आपका अवार्ड सेरेमनी हुआ, बहुत ही फेमस। हाँ, चोर बोल सकते हो, बिल्कुल सही, चोर बोल सकते हो। शॉपलिफ्टर्स यानी कि दुकान में जाके जो लोग चोरी करेंगे। फ्रेंड्स में इरशाद खान, बिल्कुल सही। केन्स में, फ्रेंड्स में, ठीक है? केन्स बोल के एक जगह है जो फ्रेंड्स में है, वहीं पे, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द नेक्स्ट इज योर, इसी कैटेगरी के अंदर आपका बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला? तो अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म अवार्ड हिंदी मीडियम, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? हिंदी मीडियम को मिला। बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड किसे मिला? न्यूटन नाम का जो आपका फिल्म था, इलेक्शन से रिलेटेड जो फिल्म था उसको मिला। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल किसे मिला? विद्या बालन को मिला। कौन से मूवी के लिए? तुम्हारी सुल्लू नाम की एक मूवी थी उसके लिए मिला, ठीक है? बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस जो मिला वो मिला है जरिया वसीम को, सीक्रेट सुपरस्टार नाम के मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे मिला? अश्विनी तिवारी को मिला, अश्विनी अय्यर तिवारी को मिला। किसके लिए? बरेली की बर्फी, ठीक है? तो ये लिस्ट भी आपने यहाँ पे याद रखना है। हिंदी मीडियम कौन सा? इसमें बच्ची जो आपको दिख रही है ना साइकिल में, उसको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा आपका फिल्म था, ठीक है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट इज अवार्ड योर
टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। बताइएगा ये टोरंटो नाम का जगह है कहाँ पे। सो नेक्स्ट जो बनता है, देखिए बहुत सारा फिल्म फेस्टिवल हो सकता है, तो नेक्स्ट इज अबाउट योर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, यानी कि ठीक है कनाडा के अंदर होता है आपका ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो अभी तीन क्वेश्चन है जो आपको दिमाग में रिकॉल करना है। एक, केन्स में क्या होता है या फिर फ्रांस में क्या होता है, नंबर वन। नंबर टू, कनाडा में क्या होता है, दिस वाज केन्स दिस इज कनाडा। तीसरा, गोवा में क्या होता है। तो तीनों के अलग अलग आंसर्स याद रखना है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस में दिया जाता है आपको, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। हमारे देश का नेशनल फिल्म अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड उसके हाईएस्ट कैटेगरी में आता है, फिल्म से रिलेटेड हाईएस्ट जो है इंडिया के केस में, दैट इज़ योर दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, अब यहाँ इस केस में क्वेश्चन सिर्फ इतना याद रखना है कि टोरंटो में आपको ये फिल्म फेस्टिवल होता है जिसका नाम है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कहाँ होता है, कैनेडा में होता है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। राजकुमार वो एक सीरियल है बस, ठीक है, नेटफ्लिक्स में आने वाला बस एक सीरियल्स का नाम है। ठीक, चलो अब श्रीदेवी को कौन सा अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है, तो वो अलग है और बाकी ये सब अलग है। तो ये तीनों को इन शॉर्ट लिख देते। सनबर्न, हाँ ठीक, वो फिर से अलग है ना, उसके लिए फिर से बुक माई शो से आप टिकट करा सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट स्पोर्ट्स। बहुत सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछा गया है। मैंने आपसे कहा था कबड्डी हॉकी टेनिस, याद कीजिए कबड्डी हॉकी टेनिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कबड्डी वर्ल्ड कप से क्वेश्चन कि चैंपियन कौन निकल के आए हैं। पहला क्वेश्चन, चैंपियन कौन निकाल के यहाँ पे सामने आए हैं, इंडिया। कितने बार मिला ये टाइटल, तीसरी बार मिला है। किसे हराया है, याद कीजिए कर चुके हैं ऑलरेडी, ईरान को हराया है। तो फर्स्ट रनर अप कौन है, ईरान। अगर बाकी स्पोर्ट्स में मैन ऑफ द मैच वगैरह पूछा जा सकता है तो फिर कबड्डी में बेस्ट रेडर कौन थे क्यों नहीं पूछा जा सकता है, अजय ठाकुर बेस्ट रेडर। डिफेंड में सबसे अच्छा किसने खेला, बेस्ट डिफेंडर कौन है, सुरजीत सिंह बेस्ट डिफेंडर। तो दो नाम यहाँ पे याद रखिएगा प्लीज़, एक अजय ठाकुर और दूसरा सुरजीत सिंह ने डिफेंड किया है। ठीक है, सुरजीत सिंह ने डिफेंड किया है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट जो गेम है हमारे पास वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बन सकता था वो ये कि आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है, यहाँ पे मेन सिंगल्स का टाइटल किसे मिला, कौन जीते। तो मेन सिंगल का दो चीज़ें होंगी ऑप्शन में, दो नाम होगा ही होगा, एक रॉजर फेडरर का नाम होगा, दूसरा राफेल नडेल का नाम होगा। तो आंसर क्या होगा, रॉजर डार्ट, रॉजर फेडरर इज द करेक्ट आंसर। किन्हें बीट किया, मैरिन किलिक को बीट किया, बस रॉजर फेडरर याद रखिएगा। कौन से स्पोर्ट्स के लिए बात कर रहे हैं, टेनिस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से निकल सकता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द नेक्स्ट स्लाइड इज अगेन जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो ये है कि द नेशनल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 वॉज इनॉगरेटेड बाई, वॉज लॉन्च्ड बाय। जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसने इसे रिलीज किया, इनॉगरेट किया। तो विजन का नाम जो है दैट इज योर डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन। डिजिटल यानी कि जैसे हर चीज़ को डिजिटलाइज करना है, ई स्वच्छ अभियान, ई एवरीथिंग, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे करो तो अच्छा है, करप्शन कम है, घोटाला नहीं है। तो डिजिटल बनाने के लिए कहाँ डिजिटलाइजेशन लाना चाह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। विजन 2022 कहाँ रिलीज हुआ, गुवाहाटी में रिलीज हुआ। कहाँ पे, असम में। कैपिटल क्या है, दिसपुर है, गुवाहाटी पे मट्टिक करना। ठीक है, किसने रिलीज किया, रवि शंकर प्रसाद ने, रवि शंकर प्रसाद जी ने।
क्वेश्चन ये भी बन सकता था, जैसे कि बना आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे कि बना यूथ अफेयर्स के बारे में, वैसे ही बन सकता था मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आंसर क्या हो जाता? रवि शंकर प्रसाद. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर उड़ान स्कीम लैंडेड एट. या फिर सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बस हमें इतना बता दो कि पासीघाट एयरपोर्ट कहाँ है. पासीघाट एयरपोर्ट कहाँ है? तो पासीघाट एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अरुणाचल, देखो गुवाहाटी तक आपको फ़्लाइट मिलता है, वहाँ से बहुत सारे जगह है जो फ़्लाइट से कनेक्टेड नहीं थे और आपको हो सकता है बस लेना पड़े, हो सकता है वैन लेना पड़े, कैब करना पड़े. बट अभी फर्स्ट कॉमर्शियल फ़्लाइट आ गया है और वो कहाँ पे? पासीघाट एयरपोर्ट. तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर फर्स्ट, तो अरुणाचल प्रदेश में है पासीघाट एयरपोर्ट, ये याद रखना. दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं, उड़ान जो स्कीम है, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, तो ये याद रखना है, है ना. टिकट्स के प्राइसेस कम कर दे और उड़े देश का आम नागरिक. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट इज द इमेज ऑफ एन आई, मतलब ब्रेन के पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, डिजीजेस, विटामिन्स, सब कर चुके. अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है वो आई के ऊपर. बहुत लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है कि आंसर आपका कॉर्निया होगा कि प्यूपिल होगा. तो हम आपको दोनों ही चीज़ें यहाँ पे एक बार समझा देते हैं. आप इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को देखिए, दिख रहा है ना इमेज में? सो दैट इज बेसिकली द कॉर्निया. कॉर्निया वो पार्ट है आई का जहां से लाइट हमारे आई के अंदर एंटर कर रहा है. यहां से लाइट एंटर कर रहा है, बट हम कितना लाइट को एंटर करवाना चाहते हैं, कितना लाइट को नहीं एंटर करवाना चाहते, दैट इज इस लाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं. ऐसा नहीं कि सारा ब्राइट लाइट आ गया, मान लो सामने से किसी ने गाड़ी में अपर डिपर, कोई अपर चला के राइट रात को चला रहा है, या फिर बहुत ब्राइट टॉर्च लाइट आपके आँख में किसी ने अगर अचानक से लाइट कर दिया, तो आप क्या करते हो? आँखें इस तरीके से श्रिंक कर लेते हो या बंद कर लेते हो. तो वहाँ पे होता क्या है एक्चुअली कि आप इस इनकमिंग लाइट को अपने आँख के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो. कैसे आप एडजस्ट करते हो? इससे आप लाइट एडजस्ट कर रहे हो प्यूपिल से. तो अगर क्वेश्चन ये है कि लाइट एडजस्ट कैसे कर रहे हो, तब आंसर कॉर्निया नहीं होके प्यूपिल होगा. ठीक है, यहाँ से आपका, और कौन से मसल्स है जो इसको एडजस्ट करने में आपको हेल्प कर रहे हैं? यहाँ पे आइरिस आपको हेल्प कर रहे हैं. तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, लाइट एंटर कहाँ से कर रहा है, तब आंसर होगा कॉर्निया. एडजस्टमेंट हो रहा है प्यूपिल में, ठीक है, और मसल्स जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आइरिस. तो जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से आपका आंसर होगा. एज अ रेटिना जो है, इमेज कहाँ बनता है, तब आंसर हो जाएगा रेटिना. कि इमेज बनता कहाँ है? रेटिना में इमेज बनता है. ऑप्टिकल नर्व कनेक्टिंग द ब्रेन, ऑप्टिकल नर्व क्या करता है? ये इमेज जो आई में बनता है वो इन्वर्टेड इमेज बनता है. हमारी आँखों में जो इमेज बनता है वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड. ऑप्टिकल नर्व इस इमेज को हमारे ब्रेन तक लेके जाता है और उसको सीधा करता है, क्योंकि ये मार्कर आपके आँख में एक कैमरा जैसा है ना हमारा आई, तो ऐसा नहीं दिख रहा है आँख को, ये ऐसा दिख रहा है. ये सिग्नल ब्रेन में जाएगा, ब्रेन उसको सीधा करेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो मार्कर है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज पे और अब देखते हैं नेक्स्ट इमेज को. अच्छा, अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है किस चीज़ के ऊपर. ऑलरेडी जितने लोग यहाँ पे पेड बैच के बच्चे थे उन्होंने इस चीज़ को किया होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल, है ना. बट आई टोल्ड यू, अगर न्यूमेरिकल आएगा भी तो सिंपल न्यूमेरिकल आएगा. ठीक है, दो चीज़ें याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए और काइनेटिक एनर्जी के लिए. पोटेंशियल के एनर्जियल के लिए क्या है? एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. बस क्वेश्चन कुछ भी हो, सिंपल है ना, बिठा दो, देखते एक ट्राई करते. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 30 kg, मास कितना है? 30 kg. इधर आ जाते, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 30 kg, जी का वैल्यू क्या है? 9.8, है ना. नेक्स्ट आप देखिए, इज प्लेस्ड ऑन द हिल टॉप ऑफ हाइट 80 meter. कहाँ पे रखा गया है, कितने हाइट पे रखा गया है? 80 meter हाइट पे रखा गया है.
व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो है 23520, लेकिन हम इतना मेहनत नहीं करेंगे, हम 9.8 को 10 मान लेते हैं, 0.2 का डिफरेंस है। इसको इंटू 80 करते हैं, इसको इंटू 30 करते हैं, 8 3 ज़ 24, 24000000, ठीक है। तो 24000 के नियरेस्ट ऑप्शन जो भी होगा उस पर आप टिक लगा सकते हो, अगर एग्जैक्ट बताना ज़रूरी नहीं है तो, ठीक है। चलो अब आते हैं, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 18th ग्रुप एलिमेंट नोबल गैसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो पीरियडिक टेबल से है। अब आप याद करो क्रैश कोर्स को, 10 दिन का क्रैश कोर्स किया था, बस 10 दिन के क्रैश कोर्स में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था वो था पीरियडिक टेबल, जिसमें जैसे ही हमने डायग्राम बनाया था शुरू ही किया था लास्ट किससे, लास्ट रो से। एक क्वेश्चन ये भी था कि जो हॉराइजेंटल लाइन है उसे आप क्या कहते हो, उसे हम कहते हैं कुलोम, और जो वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो रो। तो जो लास्ट रो है वो कितने रोज है या फिर कितने ग्रुप्स हैं, याद करो आप उस पूरे डायग्राम को, लास्ट वाले को हम कहते थे ग्रुप 18, याद है, या फिर इसको हमने लिखा था 8A, डू यू रिमेंबर। अगर याद है तो फिर ये क्या था, ये था नोबल गैसेस, ये क्या था, ये था नोबल गैसेस। उससे पहले वाला नोबल बनने का कोशिश कर रहा था, बस एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई तो वो नोबल नहीं बन पाया, उनको हम क्या कहते थे, उनको हम कहते थे हेलोजेंस। इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए मर मिट जाएंगे, किसी के साथ भी वो रिएक्ट करने को तैयार है, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन। पर्पस भी आपको बताया था, फ्लोरिन का पर्पस क्लोरिन, कपड़े के लिए यूज करेंगे, पानी को साफ करने के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद आयोडीन कौन सा था, ये लस्ट्रस था या फिर चमक रखने वाला मेटल नहीं है बट फिर भी चमकता है, कौन है वो, वो है आयोडीन, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन। अगर आपको सीक्वेंस में याद है तो अच्छी बात है। फिर जो सबसे पहला था वो कौन सा था, जो फर्स्ट ग्रुप था वो था आपका एल्कली मेटल। एल्कली मेटल यानी कि क्या, हाईली रिएक्टिव, बस रिएक्ट करना है किसी के साथ भी, जैसे कि सोडियम, नेक्स्ट वाले में एल्कली अर्थ मेटल, रिएक्ट करेंगे, लेकिन सोडियम तो एल्कली मेटल हो गया, वो पानी के साथ इतना ज़्यादा रिएक्ट करेगा कि आग लगा देगा, लेकिन नेक्स्ट वाला जो है ग्रुप टू जो है एल्कली अर्थ मेटल, थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, रिएक्टिव बट कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव। फिर आते थे आपके ट्रांजिशन मेटल, ट्रांसमिट करना चाह रहे मेटल बनना चाह रहे हैं, फिर आते थे मेटल, फिर ऊपर आते थे आपके नॉन मेटल। तो उस पूरे वीडियो को आप देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो लास्ट वाला है, ठीक है, जो लास्ट वाला है वो क्या है, दैट इज योर नोबल गैसेस, ठीक। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में, पहला पूछा गया होता, पहला ग्रुप क्या है, एल्कली मेटल, दूसरा क्या है, एल्कली अर्थ मेटल, 17th वा क्या है, हेलोजेंस, 18th वा क्या है, नोबल गैसेस। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इधर से, ग्रुप से, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, द नेक्स्ट इज अबाउट योर एवर्ड्स। कौन सा एवर्ड है, जनपिथ एवर्ड या फिर ज्ञानपिथ एवर्ड आप जिसे बोलते हो। अब किसके लिए दिया जाता है, इंडिया में लिटरेचर के लिए ये हाईएस्ट एवर्ड है, सबसे पहले सबसे ऊपर का एवर्ड। फर्स्ट टाइम किसे मिला, फर्स्ट टाइम ये एवर्ड मिला शंकरा कुरूप को, किसे मिला, ठीक है, आप अपने दिमाग में किसी भी ट्रिक से इसे याद रख सकते हो, ठीक है, बट क्या है, शंकरा कुरूप इज द करेक्ट आंसर। लेकिन लिटररी अवार्ड मिला, लिटररी अवार्ड पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया, ठीक है, लिटररी अवार्ड। नेक्स्ट, मोस्ट रिसेंटली किसे मिला है, ये क्वेश्चन था जो पूछा गया, एंड योर आंसर इज कृष्णा, पढ़ने लिखने में फिर से ना, सो कृष्णा, ठीक है, कृष्णा सोप्ती
को ये अवार्ड मिला। फर्स्ट टाइम कब मिला था? फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था 1965 को और टोटल अवार्डेड टिल नाउ इज योर 58। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है आरोग्य श्री में, आरोग्य श्री, आरोग्य। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ऑब्वियसली पॉपुलेशन में अगर हम नंबर टू में हैं तो स्कीम भी उतना बड़ा होना पड़ेगा। 5 लाख तक मैक्सिमम दिया जाएगा किसी भी फैमिली को। बताइए जल्दी से कौन सा स्कीम है, नाम क्या है इस स्कीम का, इस स्कीम का नाम क्या है ये बताइए जल्दी से। बताइए सही आंसर क्या होगा। आयुष्मान भारत, रोशन गुप्ता। अच्छा जितने लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस 9 PM वाले टाइम को, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, अच्छा किशोर आप क्या कर सकते हो, 10 डेज का क्रैश कोर्स आप देखना। ठीक है, अच्छा तो यहाँ के लिए आंसर क्या हो जाएगा, आयुष्मान। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये था कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमारे पास तो पहले से आरोग्य श्री है तो क्या ज़रूरत है ना यहाँ पे आयुष्मान भारत का, तो एक वो न्यूज़ बन गया था, तो हो सकता है इसलिए पूछा गया हो। वैसे इसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर आंध्र प्रदेश का डिवीजन हो गया। 2014 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, तभी 14 के ही लास्ट में डिवीजन हो गया था, फिर आपका आ गया था क्या यहाँ पे अब तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना स्टार्ट किसने किया था, आंध्र प्रदेश कौन से स्टेट का स्कीम है अभी है, देन योर आंसर इज तेलंगाना। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा द नेक्स्ट वन हियर इज अबाउट योर, ये गोल्डन है ना, एक तो ऑलरेडी देख लिया गोल्डन क्या था, और बाकी जो सारे गोल्डन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो किससे। ये सारे अवार्ड्स ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज योर फीफा वर्ल्ड कप, कहाँ पे हुआ, 2018 रशिया के अंदर हुआ। ठीक है, देन कम्स गोल्डन बूट अवार्ड, किसे मिला है गोल्डन बूट अवार्ड, मिला है इतना बढ़िया खेल लिए हरिकेन की तरह, हरिकेन याद कीजिए, साइक्लोन्स हरिकेन की तरह खेल लिए है, 6 गोल्स मार दिया उन्होंने 6 में, तो इसीलिए उनको ये अवार्ड मिल गया, हरिकेन की तरह खेल के गोल्डन बूट लेके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड यंग प्लेयर अवार्ड किसे मिला, यंग प्लेयर अवार्ड मिला है नंबर 1 जो यहाँ पे आए हैं टॉप पे, कौन सा देश आया है, फ्रांस आया है। फ्रांस ने कोर्शिया को हरा के नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है, और यही से यंग प्लेयर अवार्ड मिला है क्लेन मपाए को। ठीक है, मपाए या तो उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर MBAP याद रखिए, या फिर जैसे भी आप इसको याद रखिए, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। गोल्डन बॉल किसे मिला, जिस तरीके से बूट के लिए पूछा गया था, नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है बॉल के बारे में पूछा जाए, तो गोल्डन बॉल किसे मिला, लुका मॉड्रिक। देखिए लुक एट हिम, ही हैज़ गॉट द गोल्डन बॉल, सो क्या हो जाएगा, लुका मॉड्रिक। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट पूछा जा सकता है गोल्डन ग्लव किसे मिला, आंसर क्या हो जाएगा, थिबाउट कॉर्टियस को मिला है गोल्डन ग्लव का अवार्ड। और फोर्थ पोजीशन में कौन आया है, इंग्लैंड आया है। अच्छा एडिडास गोल्डन बूट अवार्ड से एक चीज़ और याद आया, क्या आप बता सकते हैं रिसेंटली, एकदम रिसेंटली एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर, बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर, क्या आप बता सकते हैं एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर एकदम रिसेंटली, गोल्डन गर्ल, फिर से गोल्डन आ गया इत्तेफाक से, गोल्डन गर्ल को चुना गया, व्हाट इज़ हर नेम बताने का कोशिश कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट योर BCCI एनुअल अवार्ड्स, BCCI या फिर ICC अगर आपको दिया जाए तो भी ठीक है, इस एनुअल अवार्ड्स का नाम क्या, हिमा दास, बिल्कुल सही, विराट कोहली तो है ही है बट साथ ही साथ हिमा दास। ठीक है, एडिडास के लिए ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली नॉमिनेट किए गए। BCCI के अवार्ड्स को हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं नमन, नमन इज़ द नेम ऑफ द BCCI अवार्ड्स, कहाँ पे, बेंगलुरु, कहाँ पे, बेंगलुरु। ठीक है, BCCI बेंगलुरु, बी फॉर BCCI, बी फॉर बेंगलुरु। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
फॉर वुमेन, ये क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया है. क्यों यही क्वेश्चन पूछा गया है? क्योंकि ये अवार्ड पहले दिया जा रहा था डायना एडुलजी को, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है मिस डायना एडुलजी को दिया जा रहा था, बट शी रिफ्यूज्ड और उसके बाद दिया गया शांता रंगस्वामी को. न्यूज़ बन गया इसीलिए पूछा गया. शांता रंगस्वामी को मिला है कौन सा अवार्ड? फर्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वुमेन्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? बेस्ट फीमेल इंटरनेशनल क्रिकेटर, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हरमनप्रीत कौर का नाम होगा, तो सिर्फ हरमनप्रीत कौर पे टिक करना, अदरवाइज हरमनप्रीत कौर एंड स्मृति मंधाना. और स्मृति मंधाना जो है ये 2018-19 के लिए है. ठीक है, चांसेस कम है इनका नाम रखा जाए, बट अगर हुआ तो फिर याद रखना स्मृति याद रखना. बेस्ट फीमेल इंटरनेशनल क्रिकेटर, ठीक है, एंड एज ऑब्वियस बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर पॉली उमरिगार अवार्ड. पॉली उमरिगार अवार्ड मेंटेन किया है फिर से विराट कोहली ने. किसने? विराट कोहली ने. चार में से एक और अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और किसे मिला है? पोस्थमिनसली, दैट इज मरने के बाद किसे मिला है? तो मिला है पंकज रॉय को. चार नाम दोबारा से आपको याद दिला दे. पहला शांति से शांता रंगस्वामी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वुमेन फर्स्ट टाइम. दूसरा बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर फीमेल अभी इस साल 17-18, आंसर क्या हो जाएगा? याद करो स्मृति. नेक्स्ट पॉली उमरिगार, फिर से विराट कोहली. और फाइनली लाइफ टाइम अचीवमेंट पोस्थमसली किसको मिला? मरने के उपरांत किसको मिला? पंकज रॉय. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ याद रखने हैं. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. द नेक्स्ट इज अबाउट योर स्टार स्क्रीन अवार्ड 2017. ये इतना इम्पॉर्टेंट वैसे नहीं मानते हैं, बट आज के शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपको स्टार स्क्रीन अवार्ड 2017 से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया आज के शिफ्ट में, आज के एग्जाम में. ठीक है, तो इसीलिए एक बार लिस्ट देख लेते हैं. बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला है वो मिला है नितेश तिवारी को. क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि जो दंगल मूवी है दंगल के डायरेक्टर कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नितेश तिवारी. बेस्ट एक्ट्रेस, अगर सिर्फ बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाए तो कोंगना सेन शर्मा पे टिक करना है. मूवी कौन सा है? लिपस्टिक अंडर माय बुरखा. ठीक है, अगर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मेंशन किया जाए तब आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा विद्या बालन. बेस्ट एक्टर किसे मिला? इरफान खान. कौन से मूवी के लिए? हिंदी मीडियम के लिए. बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स किसे मिला? आंसर हो जाएगा राजकुमार राव. कौन से मूवी के लिए? न्यूटन के लिए. नेक्स्ट क्या है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर राजकुमार राव, लेकिन बरेली की बर्फी के लिए. और अगर फीमेल के लिए पूछा जाए तो नेहा धूपिया. ठीक है, सपोर्टिंग एक्टर. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अच्छा, नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया से एक क्वेश्चन पूछा गया है. तो खेलो इंडिया जो है वो 12 चीज़ों पे ध्यान देता है. ठीक है, वो 12 चीज़ें आपके सामने हैं. मेन बात ये याद रखना है कि स्पोर्ट्स में जो लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पोर्ट्स में दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, तो वो लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इनका वेबसाइट है, वहीं से मैंने इस इमेज को उठाया है. इनके वेबसाइट से वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर स्कूल चिल्ड्रन. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अब क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है कि ये जो इवेंट है वो कौन से डेट से शुरू हो रहा है. तो आप देखो कि 500,000 एक साल में दिया जाएगा 8 साल तक, मतलब 40 लाख का टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा. 500,000 पर एनम 8 साल तक दिया जाएगा. खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, पूरी जो है पूरा नाम आपका ये है, 31 जनवरी से ये आपका शुरू हुआ. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर क्या था उसका? 31 जनवरी आपका आंसर था. कब तक चला? 8 फरवरी तक चला. कितने स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए? टोटल 16 स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं. आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग. ये स्पोर्ट्स यहाँ आपका मेंशन है. ठीक है, बताया क्यों नाम क्रिकेट में नहीं है? इन 16 डिसिप्लिन्स में क्रिकेट नहीं है, इसलिए बताया. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं.
अच्छा, तो अब ये जो क्वेश्चन था वो हमें भेजा था साक्षी ने, साक्षी ने ये क्वेश्चन हमें मेल किए थे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जैसे कि निखिल ठाकरे ने पूछा है, तो अब मिसलिनियस जितने लोगों ने क्वेश्चन भेजा है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो अभी काफ़ी रात हो चुका है, आज के क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी जितने लोगों ने हमें क्वेश्चन भेजा है वो क्वेश्चन हम कल से सॉल्व करेंगे। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन हमारे पास मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको हमने काफ़ी बार शेयर किया है, antara.bhuyan@247.com, और हम उन क्वेश्चंस को आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ के साथ आज के सेशन को यहाँ पे एंड अप करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और कोई भी क्वेश्चन है वो हमारे साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।